नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉक्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। देखिएगा, एक महिला का पाम हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए है और इस हथेली में एक सुंदर सी चीज दिखाई दे रही है जो है इनका अंगूठा। पूरा तो नहीं आया फोटो में, लेकिन दूसरी फोटो में देखा है मैंने तो बहुत सुंदर है। ये अंगूठा बता रहा है कि आप जो है सुखद जीवन जीने की चाह रखने वालों में से एक हैं और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। केवल चाह नहीं है, प्रयत्न भी कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन तार्किक हैं। हर विषय पे तर्क करना जानते हैं और लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखना भी जानते हैं। ये आपके अंगूठा बता रहा है। जहाँ इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, वहाँ तर्क शक्ति भी ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो अंगूठे में अभी बना तो नहीं है, देखो ये पूर्णतः नहीं बना है और जब तक ये पूर्णतः नहीं बनता है योग का साइन, इसका कोई प्रभाव जीवन में नहीं चलता है। लेकिन अगर ये पूर्णतः बन जाता है तो भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा और इसके पूर्ण होने पर इस बात की गारंटी रहेगी कि अपने जीवन काल में आपको अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। यदि किसी कारण नहीं हो पाया तो किसी के सहयोग से या जो पैतृक संपत्ति है, ठीक है ना, उसके कारण घर का सुख आपको मिलेगा। इस बात की ये गारंटी है, ये बन रहा है और निश्चित तौर पे जो है, जो मैंने योग और ध्यान क्रियाएं आपको दे रखी हैं, उन योग और ध्यान क्रियाओं को आप करते हैं तो निश्चित रूप से बेहतरीन परिणाम आपको जीवन काल में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात देखें, आपकी जो है सभी उंगलियों से अलग दिखाई दे रही है आपकी मध्यमा उंगली। आप देखिएगा, आपका जो मध्यमा उंगली का आकार है वो इस प्रकार से चमचाकार दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल होते हैं ऐसे व्यक्ति, फ्लेक्सिबल हैं आप, मनी परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका है। एक दोस्ताना व्यवहार जिसको कहते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उंगली भी सीधी खड़ी है। तो शनि जो न्याय के देवता है, जो वायु तत्व के अधिष्ठाता है हमारी हथेली में, और उसको जो एंटीना है ये उंगलियाँ, उस पर्वत को जो ऊर्जा ग्रहण करके देती हैं और इसमें जो ऊर्जा भरती है, ऊर्जा खींच के जो है इसमें भरती है, वो उंगली अच्छी खासी लंबी है। तो इसका मतलब है कि मेहनती भी है, केवल कल्पना नहीं करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, मेहनती हैं और जीवन में जो कुछ पाएंगे अपनी मेहनत के बल पे पाएंगे, इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नेगेटिव है इसी उंगली में। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर ये तिल है, काला तिल का साइन है, तो निश्चित रूप से धन के मामले में हमेशा ही कहीं ना कहीं, चाहे आंशिक रूप से रहे, लेकिन संघर्ष बना रहेगा। चाहे धन बहुत आ जाएगा लेकिन खर्च हो जाएगा, खर्चेला स्वभाव रहेगा, या तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही धन आ पाएगा या आता रहेगा लेकिन उस रूप से सेविंग नहीं होगा। कहीं ना कहीं धन के मामले में और भाग्य का जो पूर्णतया साथ मिलना चाहिए उस मामले में ये थोड़ा नेगेटिविटी प्रदान करेगा और पूर्णता देने में बहुत देरी कर लेगा। इसके लिए भी मैंने आपको शनि का उपाय लिख करके विधिवत तरीके से भेज रखा है। अगर आप अनुशासनात्मक तरीके से उस चीज़ को करते हैं तो इसका नेगेटिव प्रभाव निकल जाएगा और जीवन में पूर्णता प्रदान हो जाएगी। और देखिएगा, जो ये शनि का भाग होता है ना, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का मालिक यही है। आप कितना ग्रोथ करेंगे अपने जीवन में, किस प्रकार का धनार्जन करेंगे, भाग्य आपका कितना साथ देगा, आप अपनी योग्यता के अनुसार
कितना निखर पाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, किस पद तक आपका पहुँच होगी, आपको अपने जीवन में अपने करियर के मामले में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका मालिक यही है और यही तय करता है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूर्णतः जो है क्रॉस का साइन है और ये चीज़ उठी हुई है, ये चीज़ बैठी हुई है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, कि कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, सुबह उठने में आलस्य आ सकता है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं यार अभी उठूँ पाँच मिनट सोऊँ उसके बाद उठूँ बस पाँच मिनट सोऊँ उसके बाद उठूँ, ये चीज़ रह सकती है, लेकिन जब बिस्तर से बाहर आ जाएंगे फिर जो है एकदम एक्टिव हो जाएंगे, ये चीज़ रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, लेकिन एकाएक कोई ना कोई अड़चने आ जाएंगी जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात है थोड़ा इस्तेमाल होने की संभावना भी है, छोटी छोटी चीज़ों में धोखा खाने की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसके लिए जो है भाग्य स्थान को ठीक करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। सूर्य स्थान आप देखो, सूर्य की जो लकीर है उसको जो है बहुत सारी जो है रेखाएँ काट रही हैं, गद्दी वाली जो लाइन है, और सूर्य भी बहुत ज़्यादा जो है अनुकूल नहीं है। तो वर्तमान में एक तो कहीं से भी जो है आप लोन ना लें, कर्जा लेके कोई काम ना करें, या तो कर्जा लेना बहुत ज़रूरी हो तो उसी काम के लिए कर्जा लें और उसी काम में वो पैसा लगाएं जिस काम के लिए वो कर्जा ले रखा है, न तो कर्जे के तले दब जाएंगे और फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा तकरीबन जून 2022 के मध्य तक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जिस तरह से सूर्य यहाँ पे है इसका मैंने आपको उपाय दे रखा है, अगर विधिवत ढंग से आप करते हैं तो बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे और 2022 के मध्य तक ये स्थितियाँ ख़त्म हो जाएंगी और जो उपाय आप कर रहे हैं उस उपाय का आपको फायदा होगा। यहाँ पे देखिएगा, अभी वर्तमान में सिचुएशन ये है कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट अभी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, मिलेगा लेकिन आंशिक रूप से। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें अभी नहीं निखर पा रही हैं। जो रास्ता है उस रास्ते पे आप चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की ललक भी आपके अंदर है, प्रयत्नशील आप हैं और कहीं ना कहीं रास्ता भी दिख रहा है लेकिन पूर्णता नहीं आ रही है। जो निखर कर चीज़ें आनी चाहिए, जो पूरा श्रेय क्रेडिट मिलना चाहिए, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो हम कहते हैं ना यश की प्राप्ति होनी चाहिए, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पूर्णता की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप उपाय करते हैं, आप जो है योग और ध्यान क्रियाएं करती हैं, प्राकृतिक आप तो खुद प्रकृति हैं और प्रकृति से अगर प्रकृति का मिलान हो जाए तो शक्तियां बढ़ जाती हैं, आप अगर वो चीज़ करती हैं तो निश्चित ही इसमें निखार होगा और पूर्णता की प्राप्ति आपको निश्चित होगी। दूसरी चीज़ अभी देखें, हम हथेली को ध्यान से देखें तो पूरी हथेली में रेखाओं का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो है रेखाओं का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी स्थिति में। ये जब आने बैठ जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उलझन ला देती हैं, दुविधा की स्थिति ला देती हैं, या कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के अंदर घर कर लेती है, उभरने बैठ जाती हैं, जिससे ये इन रेखाओं का प्रादुर्भाव होता है। ये रेखाएं उगनी शुरू हो जाती हैं हथेली में और धीरे धीरे जब ये बढ़ती हैं तो धीरे धीरे ये संघर्ष की स्थिति लाती हैं, तनाव की स्थिति लाती हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का कार्य करती हैं और कहीं ना कहीं जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, उसको बाधित करने का कार्य करती हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा दिनचर्या में बदलाव करना है और जो हमारा ऋषि मुनियों ने हमारे सनातन धर्म में अपनी परंपरा बताई है, उस पारंपरिक ढंग से अगर हम अपनी जीवन को जीते हैं और साथ में अपने कार्य करते हैं तो निश्चित ही चीज़ें उभर कर आती हैं और जीवन कांतिमय स्थिति में पहुंचता है।
यहाँ पे देखें तो बृहस्पति जी की जो उंगली है पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। देखो दयालुता आपके अंदर इस उंगली की तरफ से दिखाई दे रहा है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर इस उंगली की तरफ से दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो है परोपकार की भावना भी आपके अंदर है ये उंगली बता रही है। ईश्वर में अगाध प्रेम है, अगाध श्रद्धा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छे है। दूसरी बात करें ये उंगली जो है आपकी सूर्य की उंगली से जो है बड़ी दिखाई दे रही है, चाहे हल्के रूप में हो लेकिन यहाँ पे जो है बड़ी दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी है। इसे श्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है और ज़्यादातर मामले में महिलाओं के हाथ में ये उंगली बड़ी हो तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है, आचार्य बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है। आपके अंदर कार्य कुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है, आप कार्य कुशल होंगी, आप व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप से आपके अंदर रह सकती है, इस बात की ओर जो है इशारा कर रही है, और ये अच्छा भी है। महिलाएं गर्वीली होनी चाहिए, महिलाओं के अंदर ईगो होनी चाहिए, जो आपकी पहचान होती है ये उंगली वही दे रही है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठतम कही जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे देखें, मिडिल फिंगर के बारे में मैंने बताई दिया है, ये उंगली भी हल्के रूप से जो है इस तरफ झुक रही है, तो कहीं ना कहीं जो है नाम और यश पाने की इच्छा भी जो है प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली भी थोड़ा इस तरफ झुक रही है तो धन कमाने की जो इच्छा है वो भी प्रबल रूप में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पहले पौर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक नाखून अगर आप थोड़ा बढ़ा दें तो बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, बढ़ा दीजिएगा, कुछ नहीं जाता इसमें, और बल्कि अगर लड़कियाँ बढ़ाती हैं तो उसमें और भी अच्छा लगता है, वो फैशन भी बन जाता है। अगर ये छोटी होती है तो थोड़े मनी मैनेजमेंट में कमी रखती है, अकाउंटेबिलिटी में कमी रखती है, कभी कभार ये जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी को बताती है। अब हमने थोड़ा सा अगर चले आपकी हृदय रेखा के ऊपर तो हृदय रेखा आपकी बहुत सुंदर है, आचार्य बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है, देखे ये बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की ओर रेखाएं ज़्यादातर उभर रही हैं और इसको काट भी रही हैं। थोड़ा जो है किसी भी प्रकार के रिश्ते हैं, थोड़ा सा उन रिश्तों में जो है संभल के चलिएगा, और धन के मामले में विशेषकर मैं कह रहा हूँ जो अपने हैं या रिश्ते हैं, थोड़ा सोच समझकर बड़ी मात्रा में धन किसी को उधार दें। अगर आपने एक बार धन दे दिया तो वो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, दूसरी तरफ से मना नहीं होगी लेकिन टालने वाली सिस्टम होगी, ये लगेगा यार अभी देता है, शाम को देता है, कल देता है, परसों देता है, लेकिन पैसे फंसते जाएंगे, दूसरा देना भी चाहे लेकिन तो भी उसके मन में ऐसी चीज़ें घूमेंगी कि वो दे नहीं पाएगा जल्दी से, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात, आप ये रेखा ज़्यादा अगर विकृत हो जाती है तो आप दूसरों के प्रति कितना भी अपनत्व रखें लेकिन दूसरी तरफ से यही सोचा जाएगा कि ये केवल अपने लिए सोचती हैं, केवल अपने जो है स्वार्थ के लिए सोचती हैं, बाकी इनको और किसी से मतलब नहीं है, लेकिन बृहस्पति से मिल रही है तो ये श्रेष्ठ इसलिए है कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, अपने क्षेत्र में जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है ज्ञान अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमानी भी है, तेजस्वी भी है, और प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ अवस्था है आपकी, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। आने वाले समय में यदि आपका शनि, आपका सूर्य और आपका मंगल अच्छी स्थिति में आते हैं तो चाहे आप नौकरी ही करें, चाहे आप व्यापार करें, चाहे और काम करें, वास्तव में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो।
अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिएगा, मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे जारी है। थोड़ा कल्पना ज़्यादा करते हैं, सोचते जाते हैं, और कुछ काम में तो केवल सोचने का ही कार्य चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी है, एक कवि हृदय या व्यक्तित्व भी यहाँ पे है, विवेकवान व्यक्तित्व है, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। और जिस तरह से हथेली की यहाँ पे आकृति दिखाई दे रही है, उस हिसाब से देखें तो मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला ज़्यादा व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, थोड़ा सा चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, जीवन में निरंतर उन्नति तो रहेगी लेकिन उतार चढ़ाव भी चलते रहेंगे और कई बार और स्थिरता भी बनी रहेगी, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण का भाव रहेगा, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा और परिवार का सहयोग भी आने वाले समय में आपको बेहतरीन मिलेगा, सुख भी मिलेगा, चाहे बच्चों का सुख हो, चाहे जो है दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाएं हो, आपको जो है जीवन में मिलेंगी, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ देखें तो जीवन की रेखा से जो है रेखाएं तो जारी हैं, करियर और धन की रेखा, लेकिन आधी अधूरी है, ये अच्छी नहीं है। अगर इस प्रकार से करियर और धन की रेखाएं रहती हैं तो करियर में निरंतर उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का भी जो है सामना करना पड़ता है, और धन आता भी है तो पूर्णता हासिल नहीं होती है, कहीं ना कहीं हाथ में टिकता नहीं है या उस प्रकार से सेविंग नहीं हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में जो मैंने उपाय दिया है उससे जो है अच्छी चीज़ें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में देखें तो जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहा होगा वो थोड़ा सा संघर्षमय रहा होगा, थोड़ा पीड़ादायक रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आगे आके ठीक होता जाएगा, इस ओर जो है ये संकेत कर रहा है। एक रेखा आपकी हथेली में ऐसे आ रही है, ये रेखा भी बहुत अच्छी है, देखिएगा आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है उस कृपा का परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं, सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है, जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र से जा रही ये रेखा तो कहीं ना कहीं लापरवाही के गुण भी आपके अंदर विद्यमान रहेंगे, इसको दूर करके आपको चलना पड़ेगा। एक रेखा इधर जा रही है तो अध्यात्म की ओर भी आपको ये ले जा रही है, एक रेखा चंद्रमा से जा रही है, अगर ये रेखा फलदायी होगी तो 41वें वर्ष से निश्चित रूप से ये जो है करियर के मामले में और धन के मामले में पूर्णता पे आपको पहुंचा देगी। अगर आप देखो यहाँ इस तरह से जो है वर्ग भी बना रहा है हृदय की लकीर पे, तो ये स्वास्थ्य के मामले में व्यक्ति को उत्तमता की प्राप्ति कराती हैं जब पूर्ण हो जाती है। दूसरी यहाँ पे देखें एक शानदार क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, ये छठी इंद्रिय की व्यक्ति को एक्टिव करती है, जो तीसरी आँख कहते हैं ना, कई बार आपने कई वीडियो देखे होगा, कई बार सुना होगा तीसरी आँख, तो तीसरी आँख कुछ नहीं होती है, ये छठी इंद्रिय होती है, जब ये एक्टिवेट होती है तो व्यक्ति के जीवन में क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है, व्यक्ति को उसका आभास कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले हो जाता है, चाहे स्वप्न के द्वारा हो चाहे आभास के द्वारा हो, उसको लगने बैठ जाता है कि यार जो है ये चीज़ घटने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है। दूसरी बात है अच्छी चीज़ हो तो भी और बुरी चीज़ हो तो भी। तीसरी बात है ये व्यक्ति के अंदर एक समय ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे वाक शक्ति, किसी को कुछ कह दिया और हो गया, किसी को जजमेंट करना, ठीक है ना कि यार ये व्यक्ति ऐसा है तो वैसा ही वो होगा, तो ये चीज़ें आ जाती हैं एक पड़ाव पे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है छठी इंद्री तीसरी आँख जो है व्यक्ति की
एक तरफ से कहें तो प्रफुल्लित हो जाती है, उज्ज्वलता की ओर आती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो ये जो साइन है आपकी हथेली में वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। पर अभी देखें तो नेगेटिव ऊर्जा जो है इसको हटाना है, शनि ठीक करना है, सूर्य ठीक करना है, तभी जीवन में पूर्णता अच्छी आएगी। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो देखो इसको देखा जाता है कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए। आपके हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी, चेहरा भी कह रहा है शुक्र को बहुत खूबसूरत होगा, बहुत सुंदर होगा, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होगी और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान होगा। देखिए यहाँ पे शुक्र ये बताता है कि चेहरा अच्छा होगा, इसका मतलब नहीं है कि व्यक्ति जो है गोरा होगा या काला होगा। सुंदरता का मतलब कई चीज़ों में देखा जाता है कि व्यक्ति जैसा भी हो देखने में अच्छा हो, व्यक्ति की मुस्कुराहट अच्छी हो, व्यक्ति के चेहरा देख के कोई भी जो है व्यक्ति की ओर खींचा चला आए, चाहे वो बहुत काला है, सांवला है, लेकिन उसका बोलने का ढंग, उसका जो आकृति है वो, उसका जो व्यक्तित्व है उसको दिखाता है। ये ऐसा नहीं दिखाता है कि जो है बहुत गोरा है अंग्रेजों की तरह, ऐसा नहीं दिखाता है, ठीक है ना। और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी ये दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और जो है देखा जाए तो बहुत ही सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण का भाव भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी रेखाएँ हैं, थोड़ी सी बता रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर भी जो है पूर्णता का न प्राप्त होना इसको भी दिखा रहा है। ये थोड़ा सा मानसिक परेशानी दिखा रहा है, लेकिन अगर हम कहें पराक्रम बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव है। हाँ थोड़ा सा ये गड्ढानुमा है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, नेत्र रोग की समस्या हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है अगर ये ज़्यादा बिगड़ जाता है तो। यहाँ पे देखें तो बृहस्पति ठीक ठाक है, यहाँ से एक दो तीन रेखाएँ जो है इसमें जारी है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी आपके अंदर अच्छे हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं नौकरी हो तो व्यवसाय की ओर भी जाएंगे, नौकरी भी करेंगे व्यवसाय भी करेंगे। अगर टोटली व्यवसाय की ओर आते हैं 41वें वर्ष से, जब से मैंने जो भाग्य रेखा बताई कि अगर वो एक्टिवेट हो जाती है तो एक से ज़्यादा व्यवसाय आपके जीवन में होंगे और धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। आपके जो व्यक्तित्व की स्थिति है वो भी बहुत अच्छी होगी और जब सभी चीज़ की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति के अंदर निखार आता है। तो जिस तरह से जो है यहाँ पे ये है तो निश्चित रूप से अगर कहें हम पारिवारिक सुख और सामाजिक सुख दोनों आपको मिलेगा। हाँ शनि ठीक नहीं है और सूर्य ठीक नहीं है, इसको आपको ठीक करना है। अगर बुध देखें, बुध यहाँ पे वर्तमान में अगर व्यापार कर रहे हों या व्यापार से संबंधित कोई कार्य कर रहे हों तो मध्यम स्थिति में ये बताता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, ये लगातार आपके मन को मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, चंद्रमा बहुत खूबसूरत है। शरीर में अगर शनि की वजह से, सूर्य की वजह से और निम्न मंगल की वजह से कोई समस्या हो भी जाए लेकिन मन मजबूत रहेगा, इस ओर ये जो है इंगित कर रहा है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आने वाले समय में और भी अच्छा होता जाएगा और चंद्रमा अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है, माँ होंगी तो माँ का आशीष, माँ का जो है आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और वो फलत अवस्था में आएगा, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतर है, खूबसूरत है, सौंदर्य बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है, मजबूत स्थिति में है तो जीवन काल में सकारात्मक सोच बनी रहेगी और जीवन में जो योजनाएं हैं उसको बनाकर चलने वाला गुण आपके अंदर रहेगा और ज़्यादातर मामले में योजनाओं को, कल्पनाओं को साकार रूप देने में भी जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी, ये बात भी आपके हथेली दिखा रही है। मणिबंध देखते हैं तो लगातार बहुत सुंदर सुंदर तीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं।
ये बता रही हैं कि पिछले जन्म में उच्च कर्म आपने किए होंगे, इस जन्म में 41वें वर्ष से निश्चित रूप से आपको उसका फल अच्छी विद्या मनी जिस काम में आप काम करोगे, जिस क्षेत्र में, उसमें अच्छा ज्ञान अर्जन करेंगे, पूर्णता अर्जन करेंगे और धन की स्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत सारी रेखाएं, तो अभी कुछ समय तक के लिए ज़्यादातर मामला देखें तो जो है जून 2022 के मध्य तक कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी और संघर्ष की स्थिति भी जो है आपकी हथेली में बनी रहेगी। देखा जाए तो उपाय तो मैंने पहले ही आपको भेज दिए हैं और हथेली का विश्लेषण भी आपको भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।